गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 220 बेडेड कोविड अस्पताल और प्रदेश के पहले कोबाज 6800 लैब का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश में टेस्टिंग के माध्यम से पाया गया है कोरोना पर काबू, बढ़ाई गई है मेडिकल फैसिलिटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगतिशील किसानों के लिए आयोजित हुआ भारतीय कृषि पद्धति विषय पर कार्यशाला। गुजरात के राज्यपाल ने दी जैविक खेती से फायदों की दी जानकारी। कहा, जैविक खेती से किसानों की आमदनी हो जाएगी दोगुनी। कोरोना संक्रमण व प्रभावी रोकथाम के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई बैठक। कॉन्टैक्ट टेस्टिंग बढ़ाकर कोरोना संक्रमितों के इलाज के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही क्षम्य नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया पूर्ण कार्य बहिष्कार, जताया विरोध, अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। जिला अस्पताल में टेली मेडिसिन टेली कंसल्टेशन सेवा का सीएमओ ने फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा, अस्पताल की सुविधाओं का मरीजों को समय से मिल सकेगी जानकारी। रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो लिंक के माध्यम से नौगढ़ का सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का किया लोकार्पण। कहा, खलीलाबाद से बहराइच वाया डुमरियागंज उतरौला बलरामपुर श्रावस्ती 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण की प्रदान की गई है स्वीकृति। गोरखनाथ मंदिर में 17 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा विजयदशमी महोत्सव। 17 को कलश स्थापना के साथ 25 अक्टूबर को निकलेगी मुख्यमंत्री व गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की विजय शोभा यात्रा। गोरखपुर में सोमवार को मिले 139 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 16,474, एक्टिव मरीज हुए 1919। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सीओजीआरपी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ अधिकारी कर्मचारी सैनिक सम्मेलन। थाने में शस्त्रों के साफ सफाई, आर्म नेशन, अभिलेखों के रखरखाव सहित साफ सफाई का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 62 वर्ष के उम्र पर किए जाने वाले सेवानिवृत्ति को बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में किया धरना प्रदर्शन। नायब तहसीलदार के जरिए मुख्यमंत्री को संबोधित, ज्ञापन किया प्रेषित। कर्मचारियों के उत्पीड़न से नाराज परिवहन संविदा चालक परिचालक संघ ने रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर दिया धरना, किया प्रदर्शन, उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग। 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन में 50% छात्रों के साथ स्कूल खोलने की छूट को देखते हुए कोचिंग टीचर्स एंड ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने गाइडलाइन में बढ़ोतरी करते हुए कोचिंग संस्थानों को खोलने की छूट दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। और आशा वाउचर की जगह मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्तियों ने सीएमओ को प्रेषित किया ज्ञापन, मानदेय तय करने की मांग।